गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आप फूड के बारे में जाने हैं, टेस्ट के बारे में जाने हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने हैं और उन न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन के बारे में भी जाने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने डाइजेशन के बारे में जाना है। तो इतना जानने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, आपने आप क्यों जाने, ये सब क्यों दिया गया है बुक में भाई? बिना मतलब के कोई चीज तो आपको बताई नहीं जा रही है, उसके पीछे कुछ मकसद है। वो पर्पज क्या है? आप हेल्दी रहें। आपको मालूम होना चाहिए कि हमको किस तरह से हेल्दी रहना है, कैसे हमको हेल्दी बॉडी अपना बनाना है, कैसे हमको प्रॉपरली ग्रो और डेवलप होना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि खाने में बच्चे जो हैं बड़ा नाक भौं सिकोड़ते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम सब्जी नहीं खाएंगे, हमको सिर्फ आलू की भुजिया पसंद है। आमतौर पर देखिए, आप अपने घर में भी बात कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे। आज जो मैं बात बता रहा हूं, पेरेंट्स महसूस करेंगे कि हाँ सर तो ठीक बोल रहे हैं, आपको हरी सब्जी देने के लिए खाने के लिए कहा जाएगा, आप नहीं खाएंगे, आप लौकी नहीं खाएंगे, आप पालक नहीं खाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे। क्यों भाई, आपको पसंद है सिर्फ मालूम पड़ा आलू की भुजिया ही पसंद है। होता है, बच्चों को होता है ऐसा। लेकिन इतना सीखने के बाद, इतना जानने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी हेल्दी बॉडी के लिए सारे तरह के फूड जरूरी हैं। तो ऐसे होने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको बैलेंस्ड फूड चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए। ये एक ही बात है, बैलेंस्ड फूड कहिए या प्रॉपर फूड कहिए, एक ही बात, ठीक है। तो क्या है बैलेंस या प्रॉपर फूड? द फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस्ड फूड और प्रॉपर फूड। एक कोई बच्चा है, उस बच्चे के आप देखिए, उसका ग्रोथ देखिए, बहुत दुबला पतला है, कमजोर है। एक बच्चा ऐसा है जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो गया, तो क्या दोनों का बैलेंस्ड या प्रॉपर फूड एक होगा? नहीं। आपकी बॉडी के लिए किसी बच्चे को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, तो उसके डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए, किस तरह से चाहिए? तो इसीलिए मैंने लिखा, वो फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, किस हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के हिसाब से जो जो न्यूट्रिएंट्स जितनी मात्रा में चाहिए, हमारी बॉडी के हिसाब से जो हमारी बॉडी की जरूरत है, अगर वो चीजें आपके फूड में है तो वो आपका बैलेंस्ड फूड या प्रॉपर फूड कहलाएगा। और एक आदमी का बैलेंस्ड फूड दूसरे से अलग हो सकता है। जैसे किसी को एनामिया है, तो जाहिर है उसको वो फूड ज्यादा दिया जाएगा जिसमें आयरन ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम ये बैलेंस्ड फूड नहीं लेंगे तो क्या होगा भाई? कुछ तो होगा ना। क्यों कहा जा रहा है बैलेंस्ड फूड के लिए? अगर आप प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज पैदा हो जाएंगी। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको कोई बीमारी हो जाएगी, विटामिन बी कमी है उससे कोई बीमारी हो जाएगी, विटामिन सी की कमी है उससे कुछ बीमारी हो जाएगी, आयरन की कमी है उससे कुछ बीमारी हो जाएगी। तो ये याद रखिए कि अगर आप प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, बैलेंस फूड नहीं लेते हैं, तो आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब वो डिजीजेस जो
किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से आपकी बॉडी में होती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा, आयरन की कमी से एनामिया हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो आज से आप याद रखिए कि आपको हर तरह का खाना खाना है, जो भी आपके पेरेंट्स आपको देंगे वो खाना है। बहुत से बच्चे दूध नहीं पसंद करते, दूध तो एक कंप्लीट फूड है, जरूर लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपके लिए कुछ एक चीज बनाई, यहां पर मैंने दिया आइडेंटिफाई बैलेंस्ड फूड आम तौर पर। अब देखिए, रोटी, राइस, पोटैटो, घी, आमतौर पर लोग कहते हैं भाई घी जो फूड है वो तो बहुत अच्छा है, घी तो बहुत तंदुरुस्त करता है। लेकिन आप देखिए, इसमें आपको रोटी कार्बोहाइड्रेट, राइस कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो कार्बोहाइड्रेट, घी फैट, ये सब तो एनर्जी गिविंग हो गया। आपका प्रोटीन कहाँ गया? आपका विटामिन और मिनरल कहाँ गया? वो सब तो है नहीं। तो क्या ये अच्छा फूड हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। दूसरे में देखिए, मीट, एग, दाल, चिकन, रोटी। इसमें देखिए, मीट हो, एग हो, दाल हो, चिकन हो, ये सब तो प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन और मिनरल इसमें से भी गायब है। यहां देखिए, रोटी, दाल, सब्जी, मीट, ये कार्बोहाइड्रेट तो है, ठीक है, प्रोटीन, इसमें विटामिन मिल जाएगा, इसमें प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है, चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा तब भी नहीं है। क्यों? पांचवां में मैंने दिया रोटी, दाल, सब्जी, दही, सलाद, मिल्क। अब देखिए, इसमें लगभग सारे, हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, फ्रूट। फ्रूट को जोड़ देंगे आप तो आपको रात को खाने के बाद या किसी खाने के बाद, देखिए आप एप्पल खाएं या कुछ खाएं या दिन में खाएं, हैं, कभी आपको सीजनल कोई फ्रूट मिल गया है, अमरूद है, कुछ भी है, उसको खा रहे हैं, तो देखिए ये आपको एक कंप्लीट डाइट मिल रहा है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, इसमें विटामिन भी मिल रहा है, इसमें मिनरल मिल रहा है, इसमें प्रोटीन मिल रहा है, इसमें फाइबर भी है, तमाम चीजें इसके अंदर हैं। तो ये इन कंपैरिजन टू ऑल दीज फर्स्ट थ्री के मुकाबले में ये चौथा वाला सबसे सही डाइट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने डाइट चार्ट को इस हिसाब से बनाइए कि वो दिन भर में आपका जो है ना वो सब कुछ शामिल हो जाए। दिन में भी, सुबह भी वही, दोपहर में वही, शाम को वही, थोड़ा चेंज कीजिए आप, ताकि ब्रेकफास्ट में कुछ चीजें आप, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, कुछ लंच में मिल जाए, कुछ शाम को स्नैक्स जो आप खेल कूद के आते हैं उसमें कुछ मिल जाए, कुछ रात के डिनर में मिल जाए। तो इसके हिसाब से एक बैठ के आप डाइट चार्ट तैयार कीजिए, ठीक है। और एक बात बताएं कि जैसे आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप कुछ चना है या इस तरह की चीजें हैं, मूंग है, हा? उसको थोड़ा आप भिगा दीजिए, उसके बाद किसी कपड़े में निकाल के जब वो भीग जाए तो कपड़े में उसको बांध दीजिए, तो उसमें से अंकुर निकल जाता है, जिसको हम अंकुरित चना कहते हैं। ये तो बहुत अच्छा होता है, इसमें फाइबर भी है, इसमें तमाम चीजें हैं, उसको आप टेस्टी बना सकते हैं, थोड़ा उसमें प्याज व्याज काट के, हरी मिर्च और नींबू और नमक वगैरह मिला के टेस्टी बना सकते हैं, थोड़ा टमाटर वगैरह भी डाल के आप उसको खा सकते हैं, वो बहुत टेस्टी भी होगा, बहुत फ्रेश होगा और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत फ्राई व्राई चीजों से बचिए, फ्राइड फूड से आप थोड़ा बचिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके उसमें प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में आ जाए। जैसे अगर वेजिटेरियन हैं आप, अंडा, मीट, मछली ये सब तो नहीं खाते, तो आपके खाने में फिर दूध और घी, दाल,
इन चीज़ों का प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए चाहिए फिर आपको, ठीक है, आप दही लीजिए, आप सलाद लीजिए, तो इस तरीके से आप जो आपका डेली डाइट चार्ट है बना के अपने पेरेंट्स को दिखाइए कि हाँ पापा आज से हम जो है ना इस तरह का डाइट हम लिया करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।